हेलो एवरीवन, जय माता दी, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री। और आज हम केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम सॉलिड स्टेट की तीन वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो भी पढ़ा है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ वीडियो में, यानी हमारी जो आज की वीडियो है, इसमें जो पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले हमने अब तक जो पढ़ चुके हैं हम, वो देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर, यानी एक्चुअल में सीक्वेंस मैंने आगे पीछे कर दिया है। आपका जो अभी तक मैटर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। नाउ सॉलिड के दो टाइप्स, सॉलिड क्या होते हैं ये भी पढ़ा हमने, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड के फोर टाइप्स, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट क्या होती है, जो आपके सॉलिड होते हैं इनकी कंस्टिट्यूटिंग जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं हम इसको, यूनिट। एक्चुअल में क्या है, यूनिट सेल क्या होती है। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पढ़ा है हमने क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये बेस पे हमने सात प्रकार के सिस्टम पढ़े जो आपके हैं, ऐसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, फोर्थ इज टेट्रागोनल, फिफ्थ इज हेक्सागोनल, सिक्स्थ इज ऑर्थोरोम्बिक, सेवन्थ इज मोनोक्लिनिक। पैरामीटर्स हम पढ़ चुके हैं इनके, 14 ब्रैविस लैटिस इन पैरामीटर्स के बेस पे। क्यूबिक के तीन होते हैं, ट्राइक्लिनिक का एक, ट्राइगोनल का एक, टेट्रागोनल के दो, हेक्सागोनल से एक ब्रैविस लैटिस बनता है, ऑर्थोरोम्बिक से चार, मोनोक्लिनिक से दो, 14 ब्रैविस लैटिस। फिर उसके बाद देखिए सिक्वेंस हमने वीडियोज में ही डाल रखा है जैसा है, ठीक है। हम ये पढ़ चुके हैं, ये आपका सीक्वेंस होता, यानी अब तक की जो तीन वीडियो है उनमें आपको ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये क्लियर होने चाहिए पढ़ने के बाद, ओके। नाउ देखिए अभी उसके बाद हमने पैकिंग एफिशिएंसी, अब बार बार उसके बाद निकल रहा है, ठीक, बस ये समझाने के लिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52.4%, बीसीसी 68%, एफसीसी 74%, और ऑल्सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP की भी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होती है 74%। देन भी प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल क्या होती है, सिंपल क्यूबिक, नॉन प्रिमिटिव सेल क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो, कॉर्नर प्लस अदर पोजिशन ऑफ एटम, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पड़े, रेडियस रेशियो, देन कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल। ये टॉपिक्स हम तीन वीडियोस में कवर कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो आप अपनी कंटिन्यू स्टडी के हिसाब से अपने आप को एनालाइज कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए अपने आप का, क्या आपको ये टॉपिक्स क्लियर है, ठीक है। इनके बाद जस्ट अभी आप इनको उतार लीजिए अपनी रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी, ठीक है। जस्ट अभी हम देखेंगे भी आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, ओके। चलिए अभी आज हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड। देखिए और आज की वीडियो का हमारा पहला पॉइंट है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड, जिससे हम अपने न्यूमेरिकल्स डील करेंगे डेंसिटी के हिसाब से भी और कॉमन पोजीशन के बेस पे न्यूमेरिकल स्टडी, ओके। देखिए तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। Now, मास किसका, अगर हमें सॉलिड की डेंसिटी पता करनी, कोई भी हमारे पास सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी पता करनी, तो कैसे करेंगे,
उसके मास को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम से, यानी मैं कह सकता हूं क्या भाई, मास ऑफ सॉलिड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब ये बताइए जो सॉलिड होता है किससे बना होता है? सॉलिड की बेसिक यूनिट यूनिट सेल होती है। क्या मैं ये कह सकता हूं मास ऑफ यूनिट सेल बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? ये क्या, आपका जो सॉलिड है उसमें बहुत सारे यूनिट सेल होंगी। ठीक है, मैंने मान लिया सॉलिड के अंदर n यूनिट सेल, तो n यूनिट सेल का क्या होगा भाई, मास, सॉलिड का मास आ गया। अब हमारे पास एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, तो हमारे पास कितने यूनिट सेल है सॉलिड में, उसी सॉलिड में n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कि अगर देखें तो क्या हुआ एक्चुअल में, n से n कैंसिल। तो जो सॉलिड की डेंसिटी है हम कैसे निकाल सकते हैं, केवल यूनिट सेल के मास और यूनिट सेल के वॉल्यूम से। इसका मतलब जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगी किसके इक्वल आ जाएगी भी, मास ऑफ ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का मास बाय में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसी यूनिट सेल का वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट सेल का मास कैसे निकलता है। यूनिट सेल किससे बनी होती है, एटम से। ठीक, मैं कह दूं आपको एटम का मास है एन, एक एटम का मास कितना है एन। अब हम यूनिट सेल का मास निकालना है, तो यूनिट सेल के अंदर क्या है, एक से ज्यादा एटम्स। मैं कह दूं जितने यूनिट सेल में एटम है, मैंने उनको बोल दिया कि क्या भाई, जेड। एक यूनिट सेल के अंदर मैंने कह दिया जेड एटम है, और एक एटम का मास कितना है भाई एन, तो बताइए यूनिट सेल का मास कितना होगा, जेड इंटू में एम, निकल गया मास ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जनरली हम क्या मान के चलेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, अगर उसकी एज लेंथ कितनी हो ए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भी, ए क्यूब। फिनिश, दिस इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ठीक, और यही डेंसिटी का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो अगर आपको किसी भी सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए भी क्या बात है, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ द यूनिट सेल, एम क्या है, यूनिट सेल में जो एटम है उसके एक एटम का मास, ए क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला, मैं डेंसिटी लिख रहा हूं, डी से, किसके बराबर हो गया, जेड इंटू में स्मॉल एम बाय में ए क्यूब। अब सुनिए, अगर मैं आपको मोलर मास दे दूं, मैं कह दूं जो एटम या जो सॉलिड है उसका मोलर मास मैंने आपको दे दिया कैपिटल, तो बताइए सॉलिड के एक एटम का मास कितना हुआ, मोलर मास कितने एटम्स का होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का। अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का मास है कितना, कैपिटल एम, तो बताइए एक एटम का मास कितना हुआ, कैपिटल एम बाय में एवोगाड्रो नंबर। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल एम मोलर मास बाय में एन नोट एवोगाड्रो नंबर। तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास बाय में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या हम डेंसिटी में इस एम की जगह जेड इंटू मोलर मास बाय में एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं, यस, इंटू में क्या, ए क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका भी, डेंसिटी। अगर आपने मास ले रखा है किसमें, जनरली आपका मास किसमें होता है, मोलर मास हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, ग्राम में, और यूनिट सेल का वॉल्यूम सेंटीमीटर लेते हैं। एज लेंथ कितनी मिलती है सॉलिड के अंदर, पिकोमीटर में होती है। मैं डेंसिटी निकाल रहा हूं सेंटीमीटर के हिसाब से, अगर एज लेंथ हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी डेंसिटी यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या भी कर सकते हैं। ओके, अब भाई जो मोलर मास है और डेंसिटी की आपकी असाइनमेंट के बारे में बात करें तो क्या हो सकती है, क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी क्या है, एसआई यूनिट। अब सॉलिड्स में हमें पता भी जो एज लेंथ होती है वो पिकोमीटर की रेंज में होती है, क्योंकि हम सेंटीमीटर क्यूब में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है डेंसिटी का, डेंसिटी किसमें पूछा है वो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब यहां पे जो आपकी एज लेंथ है किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर क्वेश्चन के। एम क्या है, मोलर मास किसमें, ग्राम में।
जेड नंबर ऑफ एटम्स, एन नोट क्या है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, ये इंटू में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भैया आपका ये क्वेश्चन डेंसिटी का हरियाणा पुलिस का एग्जाम में पूछ रखा था साइंस से, योर क्वेश्चन ठीक। अब आगे देखिए, क्या मैं इस डेंसिटी को फर्दर कुछ अनदर फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे भी बोले, जो आपकी एज लेंथ होती है ए, वो आपकी पिकोमीटर में होती है, किसमें होती है, एज लेंथ किसमें आएगी, मान लो मैंने बोल दिया 100 पिकोमीटर, किसमें आएगी, पिकोमीटर में देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल का साइज बहुत छोटा, यूनिट सेल का साइज बहुत छोटा होता है, पिकोमीटर की रेंज में आती है। एक्सरे डाइफ्रेक्शन डाटा से हम स्टडी करते हैं एज लेंथ की, एक्सरे का यूज करके हम क्रिस्टल की यूनिट सेल की एज लेंथ माप लेते हैं ठीक है, जो किसके ऑर्डर की आती है, पिकोमीटर। हमें पता है भाई एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-12 मीटर। डेंसिटी हमें किसमें निकालनी होती है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बताइए एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर रहेंगे, 10^-10 सेंटीमीटर, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर ओके। अब देखिए भाई, अगर क्वेश्चन में आपको एज लेंथ दे रखी है पिकोमीटर में और आपको डेंसिटी चाहिए किसके अंदर, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, और डेंसिटी पूछ रखी है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखिए जेड आपके नंबर ऑफ एटम है, एम मोलर मास बाय में, ए को क्या लिख देंगे पिकोमीटर में, भी क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए किसमें है, पिकोमीटर में दे रखी है आपको, तो ए को हम क्या 10^10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या अभी सेंटीमीटर में हो जाए, पावर में क्यूब इनटू में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, देखिए फर्दर जेड इनटू में मोलर मास बाय में क्या हो जाएगा भाई, ए की पावर 3 इनटू 10^-10 सेंटीमीटर, कितना 3, 10^-30। अब इस जो आपकी अब ये जो एज लेंथ बन चुकी है, ये पूरा हमें किसमें मिल जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में, यूनिट इनटू में क्या भाई, एन नोट एवोगाड्रो नंबर ऑफ मास, मोलर मास किसमें है, ग्राम में, डेंसिटी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम, जो भी डेंसिटी आई पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर एज लेंथ आपको पिकोमीटर के अंदर दे रखी है न्यूमेरिकल में और डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ठीक। अगर भी आपको हर स्टेप पे मजबूती है, पकड़ अच्छी है कंसेप्ट पे, तो आप जिस टाइम पे निकाल रहे हो क्वेश्चन का आंसर उसी टाइम पे कन्वर्जन कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे है। और हम जनरली जो फॉर्मूले में हमें सीधी सी बात, हम कहां उलझ जाते हैं, कहां हमें प्रॉब्लम आती, कहां हम कंसेप्ट नहीं समझ पाते, तो ये बस एक एटम के मास ठीक, कैसे ये मोलर मास में कन्वर्ट, तो अगर आप एक एटम का मास निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का मास कितना होता है, मोलर मास के बराबर ठीक। एक मोल एटम का मास मोलर मास होता है, और एक मोल एटम आपके बराबर होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ठीक है। तो एक एटम का मास कितना जाएगा, मोलर मास बाय में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम के ओके भाई। ये था भाई आपके ये डेंसिटी का नॉर्मली फॉर्मूला, ये आपका और भी कॉमन फॉर्मूला, यहां से देखा जाए तो अगर मैं कहूं सॉलिड का मास कितना हो गई आपके पास कैपिटल एम, वॉल्यूम कितना हो वी, तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी एम बाय वी, डायरेक्ट मास दे दे तो निकाल दीजिएगा। अगर आपको एटम एक एटम का मास दे रखा है तो डेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाल दीजिएगा। अभी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो यहां पे भी अगर यूनिट देखिए, यूनिट का सीधा साथ के साथ लिखे भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस यूनिट्स की आती है भाई, आपको चाहे कंसेप्ट समझ में आता है लेकिन आप मिस्टेक जो करके आते हैं वो इस यूनिट की करके आते हैं। यूनिट्स में गड़बड़ी हो जाती है, 10^-10 की जगह 10^-12 आंसर क्या बता रहा हूं, 10^-10 कराते हो स्पीड के कारण, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। और 16वीं सदी के क्वेश्चंस में तो यही गलतियां मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं ठीक है, तो आप केयरफुली ध्यान दीजिए। अगर ये एज लेंथ आपको क्वेश्चन में किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब में ठीक है, एक सेंटीमीटर में ए क्यूब कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी आगे किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आप चाहे तो यूनिट साथ के साथ रख सकते हैं, कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कैचिंग पावर अच्छी, और वो बनाने से बनती है भाई, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, टिप्स पे हो जाएंगी चीजें, आसानी से समझ लेंगे डेंसिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेंसिटी। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में साथ के साथ बना सकते हैं।
देखिए ये मत सोचना मैं तो केवल देख लूंगा हो जाएगा, दिमाग सबके अंदर कॉमन, जो प्रैक्टिस करता है ना वही आगे बढ़ता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए भाई हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, क्या जेड नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट है, कैपिटल एन मोलर मास ऑफ द सॉलिड, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ द सॉलिड, एन नोट एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब ये है भाई जब आपका सॉलिड है ना एटम से बना हो, यहां पे हम मोलर मास इस्तेमाल कर लेंगे और यहां पे उसके नंबर ऑफ एटम। मान लो जो आपका सॉलिड है वो एटम से बना हुआ है और एटम आपके एफसीसी में है, तो इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, एफसीसी में कितने होते हैं चार, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार। अगर यही यूनिट सेल बीसीसी में होता तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाती दो। अगर यही सॉलिड की डेंसिटी निकालनी होती और सिंपल क्यूबिक होता तो जेड की वैल्यू कितनी आती वन, यानी एटम कॉर्नर कॉर्नर पे होता ठीक, और एम होता आपके एक मोल का मास। अब भैया हमें कंफ्यूजन कहां आती है, ये तो था आपका जो सॉलिड एटम से बना हुआ, बोले अगर सॉलिड आयन से मिलकर बना हुआ तब क्या होगा, तभी जेड की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल देखिए मान लो आपका सॉलिड NaCl से बना हुआ है, अब बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी, Na के हिसाब से आप लेंगे या Cl के हिसाब से लेंगे। जैसे आपका जो NaCl का क्रिस्टल है ये एक यूनिट सेल में 4Na+ प्लस पर जॉइंट होते हैं NaCl के क्रिस्टल, जो आपके इसी NaCl के क्रिस्टल के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर 4Cl- माइनस के आयन होते हैं, तो बताइए Z की वैल्यू क्या होगी, चार ये आठ अंक दो क्या रखें, ये चार ही रखें Na की रख दें Cl की छोड़, तो जो आपके आयनिक सॉलिड है ना जब उनकी हम डेंसिटी निकालते हैं तो जो जेड होती है आयनिक सॉलिड के केस में लेते हैं फॉर्मूला यूनिट, जेड होती है इसे हम क्या कहते हैं भाई फॉर्मूला यूनिट। अब फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, एक यूनिट सेल में इन नंबर ऑफ आयन से कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं ये समझ। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो आपका NaCl है मतलब एक Na प्लस और एक क्या Cl माइनस आए तो क्या बन गए NaCl, तो क्या एक मॉलिक्यूल बन गया NaCl, बन गया एक कंपाउंड एक मोल, दो Na होते दो Cl तो कितने बनते दो मोल, तीन Na तीन Cl होते तो क्या बनते तीन मोल, चार Na है तो कितने बन जाएंगे चार NaCl। अब ये इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर NaCl की चार NaCl की यूनिट्स होती हैं और इन यूनिट्स को कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो एक यूनिट सेल होगी NaCl की, जो NaCl सॉलिड है उसकी जो एक यूनिट सेल है उसके अंदर 4NaCl की क्या होती है फॉर्मूला यूनिट, क्या होती है भाई फॉर्मूला यूनिट। अब इनके केस में एनिक सॉलिड के केस में जो जेड होती है वो होती है क्या भाई आपकी फॉर्मूला यूनिट ठीक है। जैसे आपका NaCl के अंदर कितनी जेड की वैल्यू क्या होती है 4, ऐसे ही आपका जो सीजियम क्लोराइड है इसके लिए जेड की वैल्यू होती है 1, नाइट्रो जिंक सल्फाइड आपके पास इनके लिए जेड की वैल्यू होती है 4, मैंने कह दिया CaF2 है आपके पास आयनिक सॉलिड इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होगी ऑल्सो 4। तो ये कैसे निकाल दिया आपने भाई, जब आपसे डेंसिटी या न्यूमेरिकल आया अगर ऐसा आयनिक कंपाउंड आ गया ना तो जेड की वैल्यू आपको ये बतानी कैसे आई। तो इसके लिए भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड, हेडिंग क्या है नेक्स्ट टॉपिक की स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड, जिसमें ये देखेंगे जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एक यूनिट सेल के अंदर सॉलिड की कितनी फॉर्मूला यूनिट सेल रखते हैं, जहां से हम जेड की वैल्यू को समझ पाएंगे और डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी का न्यूमेरिकल आ गया तो ये फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल देंगे। अब यहां पे देखिए मान लो ये कंपाउंड आ गया NaCl आ जाता है, जेड की वैल्यू कितनी आती है चार, एन क्या होता NaCl का मोलर मास Na का 23 Cl का 35.5,
35 और 23 58.5 ग्राम होता है, ठीक है। ऐसे ही आप सीजियम क्लोराइड का निकाल दे, सीजियम का प्लस क्लोरीन का मोलर मास यहाँ रख देते जोड़ के, इसका मास और इसका मास जोड़ दिया, मोलर मास जोड़ के रख दिया, जड़ के वाली कितने रखते हो, ठीक है भाई। ये था हमारा सोलिड के बारे में, डेंसिटी निकालना एटॉमिक फॉर्म में अगर एटम से बना हो सोलिड, और ये था जब किससे बना हुआ हो आयन, आयन से बनता जड़ की वैल्यू होगी भी फॉर्मूला यूनिटी के बराबर, ठीक है। अब कैसे किसी आयनिक सोलिड की यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट सेल होती है ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हम फॉर्मूला यूनिट सेल निकालनी सीखेंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। आज का सेकेंड टॉपिक है भाई स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो आयन से मिलकर बने होते हैं। आयन्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कैटायन और एनायन। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या है, आपकी आयनिक कंपाउंड को हमने एक पर्टिकुलर वे से डिफाइन कर, जैसे देखिए पहला टाइप है आपका आज का नंबर वन, दैट इज ए बी टाइप आयनिक कंपाउंड, ए बी टाइप आयनिक कंपाउंड, जहां आपका ए इंडिकेट करेगा भी किसको, कैटायन को, बी इंडिकेट करता है एनायन, दूसरा है आपका ए बी टू टाइप आयनिक कंपाउंड, जिसमें आपका ए क्या है कैटायन, बी क्या है अगेन एन, तीसरा है अभी आपका ए टू बी टाइप आयनिक कंपाउंड। तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सम सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में तीन टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं, आपके कंपटीशन की स्टडी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग आयनिक सॉलिड्स को लेके और बढ़ाने के लिए ये आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप डेंसिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल निकाल पाएंगे जो आपसे पूछते हैं कंपटीशन में, नीट के लिए बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना हो चाहे नीट में पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, बताइए एक यूनिट सेल ऑफ NaCl में कितने फॉर्मूला यूनिट सेल होंगी, एक दो तीन चार, ऑप्शन क्या आएगा कमेंट में बता देना। हाँ देखिए जो आपके एबी टाइप आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर फर्दर तीन टाइप्स है, ए बी और सी, देखिए वो कैसे बने, पहला है आपका NaCl टाइप AB आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड, दूसरा है जिंक सल्फाइड जेनरस टाइप आयनिक सॉलिड, यानी AB फॉर्मूला रखते हुए NaCl टाइप, AB फॉर्मूला रखते हुए जेनरस टाइप, और AB फॉर्मूला रखते हुए तीसरा है आपका NaCl जेनरस सीजियम क्लोराइड टाइप आयनिक सॉलिड। अब देख लीजिए आपका भाई ए बी टाइप कैसे, जो आपका पहला है ये कैटायन पॉजिटिव, ये एनायन नेगेटिव, कैटायन टू पॉजिटिव, ये टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो आपका ए बी टाइप आयनिक कंपाउंड्स है उनके अंदर फर्दर तीन प्रकार से आपके आयनिक सॉलिड है, कुछ का जो क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर होगा वो जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है ऐसा होगा, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड ऐसे जिनका स्ट्रक्चर NaCl जैसा, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसका स्ट्रक्चर ZnS जैसा होगा, बहुत सारे ऐसे जिनका स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड जैसा होगा। इन तीनों का कॉमन बेसिक फॉर्मूला AB टाइप है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला है वो सभी तीनों का क्या है भी डिफरेंट, जिसको हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। NaCl टाइप क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल का जो सॉलिड क्रिस्टल है उसकी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। देखिए भाई NaCl टाइप आयनिक सॉलिड कैसा होता,
इसे हम अन्य सील को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो रॉक सॉल्ट टाइप आपके आयनिक सॉलिड होंगे कैसे? तो भाई इसके अंदर आपके क्या, किसी भी यूनिट सेल के, किसी भी सॉलिड के अंदर क्या होती है यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर क्या होंगे ये आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब ये कैसे अरेंजमेंट हो, कैसे अरेंज होते हैं यूनिट सेल के अंदर, ये देखना है हमें, वही इसकी स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो जो आपका NaCl की यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो आपका Na प्लस होता है वो कहां प्रेजेंट है और Cl माइनस है वो इसकी यूनिट सेल में कहां प्रेजेंट है, यही होगा स्ट्रक्चर। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर या जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो आप उसके अंदर जो आपका Cl माइनस होता है ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC बनाता है। मतलब Cl माइनस NaCl के स्ट्रक्चर में फेस के सेंटर और कॉर्नर पे होगा, कहां होगा भाई, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। अब आप बता दीजिए अगर Cl माइनस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, आठों कॉर्नर पे और छह फेस सेंटर पे है, तो बताइए कितने Cl माइनस बनेंगे। हमें पता है कॉर्नर पे है कितने होते हैं, कॉर्नर पे 8 Cl माइनस हो गए, एक कॉर्नर का हिस्सा 1/8 प्लस फेस सेंटर का हिस्सा कितना होता है, कितने फेस होते हैं 6, फेस सेंटर का हिस्सा 1/2, यहां से 1 और यहां से 3 कितना हो गया 4। यानी कि जो Cl माइनस है एक यूनिट सेल में FCC में होने के कारण NaCl की एक यूनिट सेल में 4 Cl माइनस होता है। ऐसे जो आपके Na प्लस है NaCl के अंदर, NaCl की एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं ऑन ऑक्टाहेड्रलोइड, जहां ऑक्टाहेड्रलोइड बनता है ना वहां आपका Na प्लस प्रेजेंट होता है। अब अगर ऑक्टाहेड्रलोइड में Na प्लस प्रेजेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रलोइड कितने होंगे, यानी ऑक्टाहेड्रलोइड का टोटल कंट्रीब्यूशन एक NaCl के यूनिट सेल में कितना होगा। देखिए FCC में जितने एटम होंगे कितने हैं 4, उतने इसके अंदर क्या होंगे ऑक्टाहेड्रलोइड, कंप्लीट ऑक्टाहेड्रलोइड कितने होंगे भाई 4। यहां कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैसे, आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रलोइड कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑन बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे अगर एक ऑक्टाहेड्रलोइड है तो बॉडी सेंटर से आपको कितना कंट्रीब्यूशन मिल गया, एक। और बाकी कहां प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रलोइड, ऑन भाई एज सेंटर। अब ये भी अगर आपको पता है कि एज सेंटर से कैसे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, हमें पता है कितने एज होते हैं 12, एक एज का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन 1/4, कितने मिल जाएंगे ऑक्टाहेड्रलोइड एज से, ऑक्टाहेड्रलोइड आपके एज सेंटर में प्रेजेंट होते हैं 12 एज होते हैं, अब एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, तो 12 में कितना हो जाएगा 3, तो ओवरऑल ऑक्टाहेड्रलोइड कितने हो जाएंगे 4, यानी 4 ऑक्टाहेड्रलोइड कंप्लीट है। और इन्हीं के अंदर क्या है NaCl, सॉरी Na प्लस, तो बताइए कितने Na प्लस हो जाएंगे ओवरऑल 4 Na प्लस। ठीक है, मान लो एक एज पे क्या है Na प्लस प्रेजेंट है, एज पे क्या होता है, एज के सेंटर पे क्या होता है ऑक्टाहेड्रलोइड, तो आपके 12 Na प्लस कहां प्रेजेंट है, हर एज पे 12 होंगे, और एक Na प्लस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/4, 12 से Na प्लस का कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3, और एक Na प्लस का है बॉडी के सेंटर पे, तो कितने हो गए 4, 4 ही क्या होते हैं Na प्लस। अब देख लीजिए भाई, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर किसकी, NaCl की, वन यूनिट सेल में आपके 4 ही क्या होते हैं Na प्लस और 4 ही क्या होते हैं Cl माइनस, तो बताइए कितने फॉर्मूला बन गए भाई Na के, 4 NaCl हो गया बैलेंस, 4 Na है 4 Cl है, तो ये क्या है एक यूनिट सेल में NaCl की कितनी फॉर्मूला यूनिट होती है 4। ये भी बेसिक मेथड है अंडरस्टैंडिंग का कैसे जेड की वैल्यू 4 आएगी NaCl के आयनिक सॉलिड के लिए, यानी एक यूनिट सेल में NaCl के अंदर 4 NaCl की फॉर्मूला यूनिट होती है। समझ में आ गया भाई। अब भाई इसी NaCl टाइप क्रिस्टल, इसे हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, NaCl के स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट है ना, ठीक है, तो इसके जैसा स्ट्रक्चर और कंपाउंड्स में भी होता है। ठीक है, यहां पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए NaCl टाइप जो क्रिस्टल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, या ये किस कोऑर्डिनेशन नंबर का क्रिस्टल है,
देखिए भाई, बताइए आप, जो आपका NaCl का क्रिस्टल है उस वो रेशियो के हिसाब से हमें बताना होता है कितने रेशियो का क्रिस्टल है, जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से बताते हैं कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसी बेस पे आपका एक रेशियो का क्रिस्टल निकलेगा जिसे हम देखिए कैसे बोलेंगे। तो आपका Na+ से बताइए कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। तो जो कैटायन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एनायन का बताइए कितना होगा, एनायन कहाँ है, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। अब अगर मैं कॉर्नर वाले का बता दूं, देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, एज के सेंटर पे होता है एक तो, ठीक है, यानी इस एज के सेंटर पे, तो दूसरी तरफ जो एज होगा उसके सेंटर पे होगा, ऊपर एज है उसके सेंटर पे होगा, नीचे एज है उसके सेंटर पे होगा, साइड में एज उसके सेंटर पे होगा, और इस साइड है उसके सेंटर पे होगा, कुल मिला के कितना आ जाता है, 6। तो जो आपका Cl है वो भी 6 आयंस द्वारा सबमिट होता है, 6 Na+ द्वारा। जो आपका Na+ है ये आपके 6 Cl- द्वारा, और जो Cl- है वो 6 Na+ द्वारा सबमिट होता है। तो आपका Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है भाई, 6। तो ये जो आपका क्रिस्टल होता है NaCl का क्रिस्टल, ये होता है 6:6 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल, इसे हम 6:6 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से आपका जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर वो क्लियर हो जाता है, जिसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी आती है, 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, और इसे 6:6 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल कहते हैं। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, 6 होता है, NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर। अब भाई अदर एग्जांपल्स कौन से हैं जिनके अंदर रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, या अगर आपको कोई बोलते एक आयनिक सॉलिड है जिसके अंदर रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उसका मतलब यही है कोऑर्डिनेशन नंबर उस दोनों का 6-6 है, और उसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी है, 4 है। समझ में आ गया, यही न्यूमेरिकल कह रहा है वो, अगर दिख जाए आपको रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर जेड की वैल्यू 4 लिख दीजिए, डायरेक्शन निकाल दीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, जो आपके अल्कली मेटल के हैलाइड है, जैसे लिथियम का हैलाइड, आपके सोडियम का हैलाइड, रुबिडियम का हैलाइड, इनके अंदर आपका रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर NaCl जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अलावा आपका सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का फ्लोराइड, इनके अंदर भी क्या पाया जाता है भाई, NaCl लाइक स्ट्रक्चर, और आपके अमोनियम के हैलाइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, इनके अंदर भी ये भी अमोनियम NH4+ सोडियम की जगह प्रेजेंट होगा, सेम NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, जहां N ये वाला कहां कैटायन कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और Cl- क्या बना रहा है, FCC, ठीक है। लेकिन भाई जो आपका AGI होता है ना, इसके अंदर NaCl टाइप स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना, इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है ZNS टाइप, जो भी आएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप और ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो इनको लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज NaCl टाइप याद रख लीजिए, बहुत है, ठीक है। अब भाई ये हो गया हमारा NaCl टाइप, दो ही बातें याद रखने वाली है, जेड की वैल्यू 4, 6:6 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल, फिनिश। उसके बाद हम भाई नंबर टू पे, नंबर टू पे पढ़ेंगे क्या, ZNS टाइप स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, ZNS टाइप स्ट्रक्चर। देखिए किसी भी चीज को अगर आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में उतारना है, लिखना है, तो आप क्या करें, जय माता दी, देखिए भाई कोई भी चीज, अगर आप कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी लाइन आप स्टोर करना चाहते हैं अपने पास, तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंड ए बी टाइप में हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो ए बी जैसे ही, जिसका जो है भाई आपका जिंक सल्फाइड, ZNS टाइप स्ट्रक्चर। तो अगर कोई आयनिक सॉलिड है उसके अंदर बोल दिया जाए ZNS टाइप स्ट्रक्चर है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा,
तो पहले हम पता कर लें जिनेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अंदर क्या होता है, सल्फर 2 माइनस और जिंक क्या होता है 2 प्लस। ये आपका कैटायन है, ये एनायन है, ये प्लस और ये क्या है माइनस। अब इसके अंदर जो एस 2 माइनस होता है ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाता है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक समझ गए होंगे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, तो बताइए कितने एस 2 माइनस के आयन होंगे, 4। एक कॉर्नर से 3 फेस सेंटर। ओके okay. अब जिंक 2 प्लस कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है भी आपके अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। कहां प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये आपको पता ही होगा भाई टेट्राहेड्रल वॉइड का कहां प्रेजेंट होता है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, इसका मतलब 4 बॉडी डायगोनल पे कितने हो जाएंगे 8। पर ये क्या कह रहा है, जेनन 2 प्लस कहां प्रेजेंट होगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, एक छोड़ के एक, मतलब पहले में है दूसरे में नहीं, तीसरे में है चौथे में नहीं, पांचवे में है छठे में नहीं, सातवें में है आठवें में नहीं, मतलब 4 टेट्राहेड्रल में है और 4 टेट्राहेड्रल में नहीं है। तो इसका मतलब, और टेट्राहेड्रल का पूरा कंट्रीब्यूशन, अगर एक टेट्राहेड्रल में एटम प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, तो पूरा का पूरा वो इस यूनिट सेल में है, क्योंकि बॉडी डायगोनल पे जो भी आपका एटम या आयन प्रेजेंट होगा वो कंप्लीट इस यूनिट सेल में होगा, किसी दूसरे यूनिट सेल में नहीं होगा, क्योंकि बॉडी डायगोनल आपके एक यूनिट सेल में ही होते हैं। ओके अब देखिए इसका मतलब भी, जिंक प्लस भी कितने होंगे 4 जनरल 2 प्लस, ठीक है। तो अब बताइए भाई टोटल जेडनस के अंदर, जिंक सल्फाइड के अंदर कितने आपकी एक यूनिट सेल, जिंक सल्फाइड की एक यूनिट सेल में बताइए कितने जेडन प्लस होंगे, 4 जिंक 2 प्लस एंड 4 ही क्या होंगे सल्फर 2 माइनस, 4 सल्फर 2 माइनस 4 ही जड़न 2 प्लस। तो बताइए कितने फॉर्मूले बन जाएंगे जिंक सल्फाइड के, 4 जिंक सल्फाइड के क्या बन जाएंगे फॉर्मूला ये। तो अगेन बताइए भाई आपकी एक यूनिट सेल होगी जिंक सल्फाइड की, तो उसके अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट सेल होगी, कितनी भाई 4। जो जेड के डेंसिटी निकालते समय क्या रखेंगे 4, मोलर मास कितना रखेंगे जिंक का और सल्फर का, ठीक है। ये था भाई जिंक सल्फाइड का एक यूनिट सेल के अंदर 4 फॉर्मूला यूनिट सेल का होना, क्यों होना क्लियर है, एस टू माइनस प्रेजेंट होगा एक्सीसी में, जेड टू प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड में, और आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है कंप्लीट इन द यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल ऑफ जेड टू प्लस हैव 4 फॉर्मूला यूनिट सेल ऑफ जेड एन एस। अब भाई अगेन यहां पे क्वेश्चन बताइए कैसा कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल है आपका जिंक सल्फाइड। अब कोई भी एटम या आयन अगर आपके टेट्राहेड्रल में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। कौन है जिंक, तो पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से क्रिस्टल को बताते समय हमेशा पहले कैटायन लेंगे बाद में क्या लेंगे एनायन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जिंक का, कितना है 4 टेट्राहेड्रल में, सल्फर का कितना होना चाहिए, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब अगर आपका सल्फर कहां है कॉर्नर पे, तो जो बॉडी डायगोनल यहां पे जो क्या होगा टेट्राहेड्रल बॉडी डायगोनल यहां बनेगा, एक यहां पे होगा तो दूसरी तरफ वाले में नहीं होगा। तो ओवरऑल कितने एटम होने चाहिए सल्फर के चारों तरफ, 8, उनमें से 4 है 4 नहीं, तो कॉर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपके सल्फर का, कितना भाई 4। तो अगेन ये क्रिस्टल सिस्टम में कैसा हो जाएगा 4 रेशियो, ये क्रिस्टल सिस्टम कितना कैसा हो जाएगा 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल, या 4:4 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल। तो जो आपका जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल होता है वो 4:4 कोऑर्डिनेशन वाला क्या होता है क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसके अंदर 4 ही क्या फॉर्मूला यूनिट सेल। NaCl 6:6 कोऑर्डिनेशन वाला क्रिस्टल था जिसके अंदर फॉर्मूला यूनिट कितनी थी 4। हाँ जिंक सल्फाइड में और NaCl में फॉर्मूला यूनिट सेल 4 ही होती है। अब यहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो नोट रखनी है आपको, दैट इज ऑफ डायमंड। जो आपका हीरा होता है ना भाई, इसके अंदर आपका जड़नस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन डायमंड के अंदर कोई आयन नहीं होता, क्या होते हैं कार्बन के एटम, मतलब कार्बन के एटम कहां है एफसीसी भी बना रहे हैं, कितने कार्बन के एटम हो जाएंगे 4, ठीक है। और साथ में कार्बन एटम कहां प्रेजेंट है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन के एटम, चारों कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में है, तो कितने हो जाएंगे 4।
रोलो कितने कार्बन खत्म हो जाएंगे अभी, 4 + 4 = 8। आपसे पूछ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कमेंट में लिखना है, बताइए आप डायमंड में कितने एटम होते हैं, यूनिट सेल में, डायमंड की एक यूनिट सेल में कितने कार्बन के एटम होते हैं, 8 एटम लिखना है यूनिट सेल, क्या कमेंट में लिखना है। ओके, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां एटम Fe+ अल्टरनेट एटम। भाई ZnS का स्ट्रक्चर, ZnS जैसा स्ट्रक्चर और किस किस एनिक कंपाउंड में होता है देख लीजिए, बता देता हूं आपको। जैसे आपका कॉपर का क्लोराइड है, कॉपर का ब्रोमाइड है, और आपका बेरियम सल्फाइड है, ये और ऐसे एनिक सॉलिड है जिनके अंदर जिंक सल्फाइड जैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन भाई अगर आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे इतनी मेहनत भी नहीं करवाएंगे, डोंट वरी, आपको पहले से ही बता देंगे कि ZnS टाइप स्ट्रक्चर है किसका, बेरियम सल्फाइड दे दिया तो, कॉपर क्लोराइड दे दिया तो बता देंगे पहले से, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ZnS टाइप स्ट्रक्चर में कितनी जड़ की वैल्यू होती है, जड़ मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला इटसेल्फ, आयनिक कंपाउंड्स के कंसेप्ट। ओके, तो भाई इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे एबी टाइप आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, किसके अंदर सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर हो। अब हम ये पता कर लें कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा हो, ठीक है, तो आप आसानी से क्या निकाल देंगे, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर के बारे में किसी और आयनिक कंपाउंड का होगा, तो इसके अंदर भी सीजियम किस में होता है, प्लस में, ये प्लस, ये किस में अंदर माइनस, ये कैटायन में क्या होता है, Na(Cl-), सिंपल सी है भाई, जो इसके अंदर Cl- होता है केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, मतलब सिंपल क्योंकि ही बनाता है, कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे, और जब आपका CGM+ होता है ये कहां होता है भाई, बॉडी के सेंटर पे। इसके अंदर एक खास बात है भाई CGM क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, बताता हूं अभी क्या, आप भी गेस कर लीजिएगा, बताइए जड़ की वैल्यू क्या होगी, यही खास बात है, ठीक है। अब देखिए सीजियम प्लस अगर बॉडी के सेंटर पे है तो सीजियम प्लस का कितना को कितने आयन होंगे सीजियम प्लस के एक यूनिट सेल में, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर क्या है, एक ही सीजियम प्लस है जो बॉडी के सेंटर पे है, सीएल माइनस कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है हमें, एक का 8 कॉर्नर होते हैं, क्या होगा, एक सीएल माइनस आए। अब गौर फरमाइए, अगर मैं कह दूं मेरे पास एक यूनिट सेल है सीजियम क्लोराइड की, बताइए उसमें कितनी फॉर्मलाइट सेल होंगी, सीजियम क्लोराइड एक एक, समझ में आ रहा है क्या, जड़ की वैल्यू कितनी जाएगी, पर तो 1 यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड हैव 1 सीजियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट, जड़ की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1, और आपका सीजियम क्लोराइड इसका मतलब किसमें है, BCC, क्या बना रहे हैं अभी दोनों मिलके, क्या बना रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में रहते हैं, सीजियम सेंटर पे होता है, क्लोरीन कॉर्नर पे, लेकिन ये दोनों मिलके बनाते हैं, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो जड़ की वैल्यू कितनी होगी, एक ही सीजियम क्लोराइड, बस एक फॉर्मूला यूनिट सेल होती है। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल कैसा होता है सीजियम क्लोराइड का। अब सीजियम अगर सेंटर पे है तो कॉर्नर का टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सीजियम का, 8, रेशियो किसका, सीएल माइनस का, बताइए। अब देखिए एक यूनिट सेल में इस एक सीएल माइनस को सेंटर से एक ही टच कर रहा है, और हमें पता है जब भी हम कोई क्रिस्टल सिस्टम डील करते हैं तो वहां पर कितने यूनिट सेल लेते हैं, कितने कमरे लेते हैं, 8, तो इस सीएल माइनस को कितने सीजियम के एटम टच करेंगे, 8 सेंटर्ड, 8 यूनिट सेल के सेंटर वाले सीजियम प्लस, तो सीएल माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। तो जो आपका सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसे हम 8:8 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल भी कहते हैं। तो 8:8 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल होता है कौन सा, सीजियम क्लोराइड। ये दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो जड़ की वैल्यू एक होती है और ये 8:8 कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल सिस्टम है, ये पूछेंगे आपसे कंपटीशन में, यस, ठीक है। अब सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है बताइए, दैट इज फाउंड इन
सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थालियम आयोडाइड, थालियम ब्रोमाइड, थालियम साइनाइड। देख लीजिए भी पा देता हूं, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, थालियम ब्रोमाइड, थालियम आयोडाइड, थालियम क्लोराइड और आपका सीजियम साइनाइड, थालियम साइनाइड। इनके अंदर आपका सीजियम क्लोराइड टाइप एबी टाइप, सीजियम क्लोराइड जैसा एबी टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है आयनिक सॉलिड का, आयनिक कंपाउंड का। तो ये तीन स्ट्रक्चर थे एबी टाइप, ठीक है। एक था NaCl टाइप जिसे रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी कहेंगे, दूसरा था जिंक सल्फाइड टाइप जो जिंक ब्लेंडे कहते हैं ना, जिंक ब्लेंडे टाइप स्ट्रक्चर बोल दे तो ZnS को जिंक ब्लेंडे कहते हैं, ठीक है। BLENDE जिंक BLENDE, ठीक है, ZnS टाइप स्ट्रक्चर। और सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, तीन एबी टाइप स्ट्रक्चर थे आयनिक सॉलिड के अंदर होते हैं, जहां हम डेंसिटी निकालते समय केवल जेड की वैल्यू इंपोर्टेंस रखती, ठीक है भाई। उतार लीजिए, चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम एबी टू टाइप आयनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एबी टू टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप आ गया भाई हमारा, यही बोल देता हूं मैं, एबी टू टाइप बन गया सेकंड टाइप, ठीक है। क्या हुआ इनके अंदर आपका एबी टू टाइप में, ये क्या टाइम है, ये क्या है एन एन। अब यहाँ पे ये इसके पास वन, यहाँ टू, तो एन एन पे चार्ज कितना होगा, ए टू प्लस, और बी पे कितना चार्ज होगा, बी माइनस। हाँ, बी के नंबर क्या होंगे, ए से डबल, न्यूट्रल हो गया। अब देखिए इसके अंदर भाई जो ए टू प्लस होता है ये कहां प्रेजेंट होगा, और जो आपका B माइनस है ये कहां प्रेजेंट होगा, इसी बेस पे यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल बनेगी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ए बी टू टाइप स्ट्रक्चर है वो किस आयनिक कंपाउंड में, दैट इज इन कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हैलाइड है उनके अंदर क्या होता है, ए बी टू टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैल्शियम कहां प्रेजेंट होगा, भी बात करते हैं पहले, ए टू प्लस भाई, कैल्शियम फ्लोराइड सी ए एफ टू ए बी टू टाइप स्ट्रक्चर में बनाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी ये जो कैल्शियम है कहां प्रेजेंट होगा, एफ सी सी में। और एफ सी सी में अगर कैल्शियम प्रेजेंट है, इसका मतलब कैल्शियम प्रेजेंट है कॉर्नर पे साथ में फेस के सेंटर, कॉर्नर कितने, एक कंट्रीब्यूशन वन, फेस सेंटर से तीन, तो कितने कैल्शियम प्लस टू प्लस हो जाएंगे, फोर। बात करेंगे बी माइनस, ये कहां प्रेजेंट होता है, यानी यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन कहां प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन प्रेजेंट होता है इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। अगर नंबर एटम यहां चार है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, चार गुणे आठ, कहां होते हैं, टू ऑन ईच बॉडी डायगोनल, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि ए टेट्राहेड्रल वॉइड में आपका फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो बताइए फ्लोरीन के कितने आयन हो जाएंगे, 8F-। अब हमें पता है एक मोल कह दो या एक मॉलिक्यूल CaF2 का एक कैल्शियम रखता है आयनिक फॉर्म में, एक कैल्शियम का है और दो फ्लोरीन के है। अब हमारे पास इस CaF2 की एक यूनिट सेल के अंदर 4Ca2+ है और 8F-। तो भाई एक Ca2+ और दो F2- मिलकर बनाते हैं एक फॉर्मूला यूनिट, किसकी, CaF2 की। तो बताइए चार Ca2- और 8F- मिलकर कितनी फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे, निकाल लो, एक के अंदर एक कैल्शियम 2F, दो के अंदर दो कैल्शियम और 4F, तो बताइए चार कैल्शियम और F कितने हो जाएंगे, 8, कितने के अंदर भी, 4 CaF2 के मोल के अंदर, ठीक है, मोलिक्यूल के। तो जो आपका CaF2 की
एक यूनिट सेल होती है, बताइए CaF2 की एक यूनिट सेल में, वन यूनिट सेल ऑफ CaF2 कितनी फॉर्मूला निकल रखेंगी? चार। कितने भाई? चार। यहां पे आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी बताओ सीधी बात है, टेट्राहेड्रल फ्लूइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? चार। डन है। अभी जो एटम कॉर्नर पे है, अब उसको टेट्राहेड्रल बॉडी डायगोनल वाले हर एक बॉडी डायगोनल, यानी एक कॉर्नर का एटम कहने का मतलब एट बॉडी डायगोनल द्वारा टच किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, एट कमरों के हिसाब से, ठीक है? तो ये जो एक कॉर्नर का एटम होगा वो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को टच करेगा? आठ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा भाई? एट। तो बताइए जो आपका कैल्शियम फ्लोराइड है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे क्या क्रिस्टल नंबर बनेगा? दैट विल बी व्हाट? पहले कैटायन का फिर एनायन का, एट रेशियो फोर कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल। तो जो CF2 होता है इसका एट रेशियो फोर कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल होता है, ठीक है? पहले कैटायन का बताएंगे फिर एनायन का, फॉर्मूला कितनी होती है? फोर, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो फ्लोराइड एनायन, ये क्या है? ठीक, कैल्शियम फ्लोराइड कहते हैं इसको। और ये जो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। Ag2 टाइप में CF2 का ये जो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या भाई? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई बोल दे FLUORID फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब समझ जाइएगा CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर, या सीधा बोल दे इस कैल्शियम फ्लोराइड का CaF2 जैसा स्ट्रक्चर है। तो जेड की वैल्यू बता दें कितनी? चार। और ये भी कैलकुलेशन कर लेना कि कैल्शियम कहां प्रेजेंट होगा? FCC में कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे, और F कहां प्रेजेंट होगा? ईच टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये स्ट्रक्चर है किसका भाई? कैल्शियम फ्लोराइड, यानी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? एट रेशियो फोर कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल। जो ये फ्लोराइड है क्रिस्टल, ये एट रेशियो फोर कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल, ठीक है भाई? ओके। और एग्जांपल इसके, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, किसके एग्जांपल है भाई? Ag2 टाइप Na कंपाउंड्स। बट डोंट वरी अगेन, आपको इंडिविजुअल क्रिस्टल देकर नहीं पूछेंगे, वो एक नाम बोलेंगे कि Ab2 टाइप स्ट्रक्चर है, आप तुरंत पहचान लीजिएगा A FCC टेट्राहेड्रल, ठीक है? अब बात करेंगे भी तीसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, A टू B टाइप स्ट्रक्चर। मतलब कैटायन कितने होंगे? दो, B कितना होगा? एक। पढ़ दो वाणी इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अब जो आपका B है, देखिए A प्लस था ये माइनस था, क्लियर है? लेकिन B क्या हो जाएगा? टू माइनस, ठीक है? यहां पे अब जो ए कैटायन है वो प्रेजेंट होगा कहां पे? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जो आपका एनायन है ये बनाएगा इसके अंदर एफसीसी। अरे अच्छे से देख लेते हैं, पॉज करके लिख लेना। अब हम देखेंगे ए टू बी टाइप स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपका ए कैटायन है, बी एनायन है। देखिए टाइम बताना, तुम बता सकते हैं, ठीक है? मैं पहले मिटो के आपको भी बताता, सेवेंटर साथ के साथ बता दे। तो हमारा अब की बारी अभी ए टू बी टाइप स्ट्रक्चर, इसका उदाहरण देता हूं पहले मैं आपको। जैसे भाई इसका एग्जांपल है एन ए टू ओ, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का, देख लीजिए। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है टू माइनस की फॉर्म में, सोडियम वो प्लस की फॉर्म में। अब इसके ऑक्सीजन है ना भाई, ये क्या बनाता है? फेस सेंटर क्यूबिक, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एफसीसी में, मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, तो भाई ये कितने O2 माइनस हो जाएंगे? चार। अगर कोई भी एटम आयन किस में है? एफसीसी में होगा, तो उसके चार एटम होंगे, आयन होंगे, क्लियर है? तो ऑक्सीजन एफसीसी बना रहा है तो कहां? कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर, फोर O2 माइनस। Na प्लस कहां है? अगेन कहां? इच टेट्राहेड्रल In each TV, that halogen. कितने जाएंगे भी?
आठ एन ए प्लस। पीछे का स्ट्रक्चर क्या था कैल्शियम क्लोराइड का? कैल्शियम कैटायन कितने थे? चार। एफ कितने थे? आठ। इसे क्या बोला था? क्लोराइड स्ट्रक्चर बोला था। अब ये क्या है? इसमें जो कैटायन है और यहां पे कैटायन क्या बना रहा था? एफ सी सी। और यहां पे एन एन क्या बना रहा था? कैटायनोबोडिक एनर था भी। जो आपका एन ए टू ओ टाइप स्ट्रक्चर है इसके अंदर कैटायन कहां है? टेटरॉइड में। एनएन क्या बना रहा है? एचसीसी। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ एन ए टू ओ की एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट सेल होगी? आपके सामने में दो एन ए से एक फॉर्मूला यूनिट सेल बनती है और एक ऑक्सीजन से क्या बनती है? एक एन ए टू ओ की फॉर्मूला यूनिट। तो एट एन ए से कितनी बनेगी? चार एन ए टू। और ऑक्सीजन कितने हैं? चार। हो गए बैलेंस, चार ही ऑक्सीजन मिल गए, चार एट क्या हो गया प्लस, तो कितनी फॉर्मूला यूनिट बन गई आपकी? एट सॉरी फोर फॉर्मूला यूनिट। तो एक एन ए टू ओ की यूनिट सेल में फोर एन ए टू ओ क्या होती है? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है भाई, यानी वन यूनिट सेल के अंदर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एन ए टू ओ के अंदर अगेन कितनी? फोर। तो आपका ए टू बी टाइप अगर आपके पास आयनिक सॉलिड आ जाए तो उसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी आएगी? फोर। यानी कि एक एन ए टू ओ के अंदर यूनिट सेल के अंदर एक एन ए टू ओ की यूनिट सेल के अंदर जो सॉलिड है उसके अंदर एन ए टू ओ की एक यूनिट सेल के अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट सेल होती है? चार। बात करेंगे भी कोऑर्डिनेशन, बताइए कितना हो गया? चार। अगर इसका चार है तो सीधी सी बात है ये कहाँ है? एससी में कॉर्नर पे। अगेन एट कोऑर्डिनेट टच करते हैं तो एट टेट्राहेड्रल टच करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एट। इसका कोऑर्डिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन बताओगे कितना होगा? पहले कैटायन का चार, एनायन का एट, क्या हो गया? एट फोर रेशियो एट कोऑर्डिनेशन। जो आपका एन ए टू है इसके अंदर 4:8 क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल। ठीक है भाई, अब देखिए इसके अंदर जो आपका फ्लोराइड का स्ट्रक्चर था CF2 का स्ट्रक्चर को हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मैं आपको कह दूं फ्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर है तो आप समझ जाइएगा कैल्शियम बना रहा है FCC और F कहां है? टेट्राहेड्रल। यानी एनायन कहां होगा? टेट्राहेड्रल में। और कैटायन क्या बना रहा होगा? FCC। यहां पे क्या है? Na2O में। अब कैटायन टेट्राहेड्रल में है और एनएन क्या बना रहा है? FCC। क्या ये आपके फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट हो गया? इसीलिए Na2O के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये था भाई आपके कुछ आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां हमने पांच प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, यानी पांच ही प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे क्रिस्टल पढ़ लिए और इनके अंदर अरेंजमेंट देख लिए। ठीक है, आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए, समझते हुए याद कीजिए। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स जब डेंसिटी का ही न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे, ठीक है, अगर उन्हें निकलवाना पड़ गया आपसे ये पूछना ही है इसके बारे में तो पक्का जड के हिसाब से पूछेंगे। बस स्पेशल एग्जाम्पल पूछ लिया था डायमंड का, डायमंड रहता है जिडनस के स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायमंड में होते हैं आठ, बार सुन लो आठ, कितने? आठ होते हैं। डायमंड की एक यूनिट सेल के अंदर कार्बन के कितने एटम होते हैं? एट एट एट। कमेंट 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 में लिखिए। ठीक है भाई, हाँ इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, Ab2 A2B एक दूसरे के एंटी, मैं गया जहां कैटायन है वहां एनायन, एनायन है वहां कैटायन, एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ये था भाई, कॉपी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए लिख दीजिए। चलिए भाई, अब जो हमने जो पांच आपके आयनिक स्ट्रक्चर देखे हैं उनको हम बेसिक कंसेप्ट के साथ उनका शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं कि आपको एक्चुअल में न्यूमेरिकल डील करते समय क्या आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए भाई,
आपकी एक यूनिट सेल में NaCl की कितनी फॉर्मूला यूनिट होती है? चार। जननस की चार, एक यूनिट सेल में। ये डेंसिटी निकालते समय काम आएगा। सीजियम क्लोराइड की एक, कैल्शियम क्लोराइड की चार, Na2O की चार। बताइए इनका कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल के हिसाब से नंबर बताइए, कितने रेशियो का कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल बनता है, कितने कोऑर्डिनेशन का क्रिस्टल बनता है बताइए? NaCl का 6:6 कोऑर्डिनेशन, ब्लैक से लिखेंगे भाई। आपका जननस का टेट्राहेड्रल में होते हैं अल्टरनेट 4:4 कोऑर्डिनेशन। सीजियम क्लोराइड का 8:8 कोऑर्डिनेशन। सीजियम क्लोराइड का मैच करा थी सर, 8:8 कोऑर्डिनेशन। कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम है 8 टेट्राहेड्रल में, ये 8:4 कोऑर्डिनेशन। Na2O टेट्राहेड्रल में Na2 है तो 4:8 कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल के हिसाब से रेशियो बता दिया, जेड की वैल्यू बता दी। ये है जेड की वैल्यू। NaCl जैसा स्ट्रक्चर होगा 4 होगी जेड की वैल्यू। जननस जैसा स्ट्रक्चर होगा तो भी 4 होगी। सीजियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर होगा तो 1 होगी। कैल्शियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर होगा कितनी होगी? 4। Na2 जैसा स्ट्रक्चर होगा जेड की वैल्यू कितनी होगी? 4। स्पेशली याद करने के लिए भी याद रख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है। डायमंड में जेड की वैल्यू होती है 8। एक डायमंड की यूनिट सेल में जेड के 8 एटम होते हैं, अरे कार्बन के 8 एटम होते हैं, जेड की वैल्यू कितनी होगी? ये था भाई आपका, ठीक है लिख लीजिए। अब मैं आपसे मैं ये न्यूमेरिकल बात करी, न्यूमेरिकल समझाऊंगा, ठीक है, और एक ही न्यूमेरिकल आपसे पूछूंगा, ओके? चलिए डील करते हैं। मैंने आपको बोला 10 क्वेश्चन मेरी ओर से आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल 10। हाउ मैनी यूनिट सेल विल बी प्रेजेंट इन 1 ग्राम NaCl क्रिस्टल। अब 1 ग्राम NaCl के क्रिस्टल में कितनी यूनिट सेल होंगी आपको ये बताना है, ठीक है? ठीक, मुझे यहां से अप्रोच करने तरीका देखिए, मुझे बोला है 1 ग्राम NaCl, अच्छा यूनिट सेल में तो होते हैं एटम्स, आयंस होते हैं NaCl के, अच्छा तो भाई 1 ग्राम में पूछा है तो मुझे तो पहले इनके मोलर मास के हिसाब से पता है, इनके मोलर मास में बताइए Na प्लस कितने होंगे, Cl माइनस बोले तो मोलर मास बताओ, Na का 23, Cl का 35, 35.5 कितना हो जाएगा, यानी कि 58.5 ग्राम। बताइए 58.5 ग्राम में NaCl कितने मोलिक्यूल होंगे, एक NaCl कितने कंपाउंड होंगे बताइए, NaCl कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो मतलब 6×10^23 मॉलिक्यूल्स, किसके? NaCl के, यानी Na कितने होंगे? एवोगैड्रो, Cl भी कितने होंगे? एवोगैड्रो। तो आप क्या करें, 1 ग्राम में निकाल लीजिए, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, चलिए डिवाइड कर दीजिए 6×23 को किससे, 58.5 से। तो क्या आपके पास 1 ग्राम में Na प्लस और Cl माइनस आयन बता देंगे? हाँ ठीक है, ओके। अब यूनिट सेल बता देंगे, मुझे पता है एक यूनिट सेल में NaCl की, NaCl की एक यूनिट सेल में क्या होता है, 4 फॉर्मूला यूनिट होती हैं, 4 फॉर्मूला यूनिट होती है किसकी, NaCl की, ठीक है। और मुझे बतानी क्या है, NaCl की यूनिट सेल बतानी है या फॉर्मूला यूनिट बतानी है? देखिए अगर आपको फॉर्मूला यूनिट बतानी हो तो आपके सामने एवोगैड्रो बाय 58.5 कर दीजिए, फॉर्मूला यूनिट आ जाएंगे आप आंसर सामने, बतानी क्या है यूनिट सेल। तो भाई 4 फॉर्मूला यूनिट से कितनी यूनिट सेल बनती है, एक, तो इतनी यूनिट सेल से कितनी बनेगी,
मान लो ये आपका ये आ जाता है 20 आ गया, मान लिया हमने 20 फोरमेंट सेल बन गई, 4 से कितनी सेल बनती है 1, तो 20 से कितनी बनेगी, क्या करें 20 के भाग में 4 करूंगा गुणा में, 20 से कितनी बनेगी, अगर 4 से बनती है 1 तो 20 से कितनी बनेगी 5, कैसे आया 20 भाग में 4, क्या करें 20 के भाग में कर दो कितना 4, तो जितने भी यूनिट सेल आएंगे फॉर्मूला लिटाएंगी 10 की पावर 23 भाग में 58.5, इसको भाग कर दो नीचे गुणा हो जाए कितने से 4, इतनी क्या होंगी भाई यूनिट सेल, दिस इज द आंसर, इसको कैलकुलेट कर लेना ठीक है। अगर मैं 58 को गुणा कर दूं 4 से 60 के आसपास मान लो इसको पहले, तो फिर उससे गुणा कर दूं ठीक है, अप्रोक्सीमेशन बताऊं कितना, ये हो गया 22, ये हो गया 60, इसको मैंने काट दिया बच गए 4, 100 कर दिया फिर से 20, 25 कितना हो गया भाई अप्रोक्सीमेट 25 × 10^20 यूनिट सेल, आप अच्छे सॉल्व कर लेना निकाल लोगे। ये था भाई मेरे द्वारा आपको बताया गया पहला न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट का, जिसमें आपने कैलकुलेट कर दिया 1 ग्राम NaCl में कितनी यूनिट सेल होंगी अप्रोक्सीमेटली, पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी इससे तो ज्यादा ही नहीं होगी, 60 माना ना मैंने इसको, सीधी सी बात है 25 से थोड़ी ज्यादा ही आएगी, 10 की पावर 20 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5 10 की पावर 21 ये 2.8 के आसपास हो जाएगा था 6 7 8 जो भी है देख लीजिए, मुझे आंसर कैलकुलेट कर लेना भाग करना है भाई। अब आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपके लिए क्वेश्चन है बताइए, 78 ग्राम आपके पास, दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया 78 ग्राम कैल्शियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है, स्टेटमेंट से टेल हाउ मेनी यूनिट सेल विल बी प्रेजेंट इन 78 ग्राम कैल्शियम फ्लोराइड क्रिस्टल, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर देता है ठीक है भाई। ये था भाई आज की हमारी वीडियो नंबर 0004 का कंटेंट ठीक है, जिसमें हमने मेनली डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया और सिंपल क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ लिया, आसानी से डेंसिटी निकाल सकते, और अकेली अकेली डेंसिटी नहीं हुई, ये भी ध्यान रखना अगर आपको डेंसिटी का पता लग गया तो जेड पूछ सकता है, जेड बता सकते हो, मोलर मास बता सकते हो, ए की वैल्यू बता सकते हो, एवोगैड्रो नंबर, सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे, आपको 1 2 3 4 5 में से कोई भी चार वेरिएबल्स की वैल्यू पता होगी आपको, पांच भी पूछ सकता है, 1 2 3 4 की पता तो ये पूछ लेगा, एवोगैड्रो नंबर पूछ लेगा, आपसे निकलवा लेगा, अगर आपको 1 2 3 का पता है 4 का तो ये पूछ लेगा जेड की, जनरली आपसे जेड पूछते हैं, डेंसिटी पूछते हैं, रेयरली ये पूछते हैं ठीक है, ये आपको रेयर जनरली क्यों मिलेगी, यहाँ डेंसिटी पूछेंगे या जेड का नंबर पूछेंगे, और जेड का नंबर मान लो 2 आ जाता है तो यूनिट सेल होगी BCC, जेड का नंबर 4 आता है यूनिट सेल क्या होगी FCC, जेड का नंबर 1 आता है यूनिट सेल क्या होगी, सिंपल क्यों ठीक है, या जेड का वैल्यू 1 अगर एनी कंपाउंड में आता है तो क्या होगा भाई, That will be CGM chloride type structure, ठीक है, तो ये था भाई अब तक की 4 वीडियो जो सॉलिड स्टेट की हमने अटेम्प्ट कर ली है। अब भाई आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप इन वीडियोज को देखें, दो दो बार तो प्लीज देखिए, वैसे भी 2022 चल रहा है 2022 ठीक है, एक बार और दो की स्पीड में देखना, जब दूसरी बार देखें तब, पहली बार आप नॉर्मल देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए, फिर आप इसको डबल स्पीड में केवल प्रैक्टिस के लिए देखना, और वो भी करीब 22 दिन बाद, सिंपल ठीक है 2022। तो भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड ठीक है, हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जय माता।